बिहार की राजनीति में बगावत पर उतरे जेडीयू संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की बैठक बुलाकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य भर के जेडीयू कार्यकर्ताओं को आज पटना बुलाया है। उपेंद्र कुशवाहा यहां अगले दो दिनों तक जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कुशवाहा ने अपनी ये बैठक पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में बुलाई है। कुशवाहा की इस बैठक को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वो पार्टी में आए तो पूरी तरह से सम्मानित किया जाएगा और हर समय सम्मान मिला भी। अब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला काम कर रहे हैं। का जो सोच है, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं। पार्टी में आए उनको पूरी सम्मान मिलेगी। अब कहीं पे निगाह कहीं पे निशान, तो निगाह उनका कहीं और है, निशाना कहीं और लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में जेडीयू के बहुत से कार्यकर्ता और नेता शामिल होने पटना पहुंचे। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो भी कुशवाहा की बैठक में सिन्हा लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमें नीतीश जी से समस्या नहीं है, हमें उनके साथ शामिल दूसरे लोगों से समस्या है। नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए जो काम किया है उसका जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमें दिक्कत कुछ लोगों से है। अच्छा, एक को तो मैं हमेशा नाम लेता हूँ, अशोक चौधरी जी। अपने फायदे के लिए कांग्रेस को डुबा दिया, अपने फायदे के लिए राजू बाबू की हत्या करवा दिया, अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में षड्यंत्र करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ खड़े रह के भ्रष्टाचार करते हैं। सीबीआई में चार शीटेड है, मंत्री पर बैठे हुए हैं। बाकी कुशवाहा की बैठक को लेकर जेडीयू नेता पहले ही नियम के खिलाफ बता चुके हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस मामले पर हमें कुछ नहीं कहना। उपेंद्र कुशवाहा क्या करना चाहते हैं, वहीं जाने। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा क्या करने जा रहे हैं उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमने उनके बयान को देखा है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो महागठबंधन के साथ थे और महागठबंधन की ओर से उनको 5 सीटें मिली थी लोकसभा में लड़ने के लिए, कोई सीट निकल नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है कि उस महागठबंधन में भी नेतृत्व जो है चुनावी अभियान का तेजस्वी ही कर रहे थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान सीवान पहुंचे हैं। बीते दिन सीपीआई मामले के अधिवेशन में हुआ, जिसको लेकर पीके ने सीपीआई पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी के लिए लोगों ने खून बहाया आज उसी ने हाथ में लालटेन थमा दी। गांधी जी डॉल बना के हम वोट लेके देश ना आजाद करेगा। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद भई। अगर बिहार को गरीबी से, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आजाद कराना चाहते हैं तो आपको मिलकर कंधा लगाना पड़ेगा। लड़कियों को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए औरंगाबाद की कराटे गर्ल और कराटे चैंपियन सुरभि सभी लड़कियों को निशुल्क कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। उसका संदेश है कि बेटियां पढ़ाई के साथ लड़ाई भी सीखें, तभी समाज में वो निर्भय होकर जी सकेंगी। गोपालगंज के चनावी जेल में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन ही निगल लिया, जिससे थोड़ी देर के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, एक्सरे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हुआ। सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण मौजूद रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण का खिलाड़ियों ने अभिनंदन किया, तो वहीं सांसद और रांची के महापौर संजीव विजयवर्गीय ने मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। 15 फरवरी को पलामू के पांकी में हुए उपद्रव के बाद आज पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। पलामू में हिंसा पर चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन की ढिलाई और लापरवाही के चलते ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे प्रशासन अगर सचेत रहता तो बचा जा सकता था। ये सामान्य झंझट था और प्रशासन के ढिलाई के चलते स्थिति उत्पन्न हुई है। और महाशिवरात्रि के पर्व पर इस तरह का भय का वातावरण ये कहीं से उचित नहीं है। और लोगों को आने देना चाहिए। एक मैसेज फैला दिया गया कि 4 ही लोग पूजा करेंगे। जब हम लोग पहुंचे तो कहा कि नहीं, 4-4 की संख्या में लोग आ सकते हैं, लेकिन एक वातावरण तो बन गया कि वहां पूजा नहीं करना है। तो ये वातावरण निर्मित नहीं होने देना चाहिए था, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।